एवरीवन, द टॉपिक ऑफ द डे पावर टूल्स। पावर टूल्स इसे कहते हैं जिसके लिए, जिस टूल्स के लिए हमें पावर रिक्वायर्ड होती है, पावर चाहिए होती है, ठीक है। उसको यूज़ करने से पहले हमारे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, वो क्या है वो बताने जा रहा हूँ आज आपको मैं। सबसे पहले आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए पावर टूल्स की, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है वो यूज़ नहीं करेगा। दूसरी, जो आपका पावर टूल्स है वो FM-UL और कीमा यूरो से सर्टिफाइड होना चाहिए। तीसरी चीज़, उस इक्विपमेंट में GFCI मेंशन होना चाहिए, वो लिखा होता है GFCI। जो अब उसमें केबल है वो डैमेज ना हो, जो प्लग हैं जो भी आपके इस पर 3-prong टाइप हो, और जो डबल स्क्वायर इसमें रखा होता है इक्विपमेंट पर देखोगे इसका मतलब डबल इंसुलेटेड है वो। डबल इंसुलेशन से मुराद ये है कि उसमें डबल किस्म की रबर होगी, अगर एक कट जाए दूसरा उसे डैमेज होने से रोकता है, जो अंदर वायर जा रही है उसको रोकता है, इंसुलेट करता है, ठीक है। तीसरी चीज़, उसका जो फॉर एग्जांपल है पावर टूल्स में ग्राइंडर ही रहते हैं, ग्राइंडर में क्या है गार्ड होना चाहिए, इसके अंदर गार्ड ही लगा हुआ, हैंडी लगा हुआ यूज़ ना करें। दूसरा, जो डिस्क है उसका RPM देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है RPM और डेड स्विच। डेड मैन स्विच क्या होता है और RPM क्या होता है बताता हूँ। RPM रोटेट पर मिनट, रोटेट पर मिनट का मतलब है कितनी दफ़ा वो एक मिनट में घूम रहा है। अगर 13,300 लिखा हुआ है डिस्क में, तो ये डिस्क का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत मशीन के जो यूज़ कर रहे हो आप, जो ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो उसमें मशीन का कम होता है। 7,500 लिखा होगा, 8,300 कुछ ऐसे लिखा होगा, ये क्या है डिस्क का ज़्यादा होना चाहिए। फिर डिस्क लगाने से पहले उसको चेक करो कोई वो क्रैक या डैमेज तो नहीं है। तीसरी चीज़, उसका जो RPM है आपने मेंशन करने के बाद उसका रिंग टेस्ट करो, लगाने के बाद रिंग टेस्ट होता है वो ज़रूरी होता है, कोई लूज़ तो नहीं है, प्रॉपर बैठी नहीं बैठी है, ये तमाम सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है। फिर जहाँ आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ डेड मैन स्विच देखो, डेड मैन स्विच है नहीं है, ये तमाम हमारी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट हो गई। जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ हमारे जगह कर रहे हैं वो जगह सेफ है नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से खड़े हो रही नहीं हो रहे, या प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते नहीं कर सकते, कहीं कंजस्टेड तो नहीं है, कहीं नैरो जगह तो नहीं है जहाँ हमारे लिए स्टेबिलिटी ना हो। फिर हमें क्या करना है, जो आसपास के कोई मटेरियल ना हो, फ्लेबल मटेरियल, ये बात याद रखना। आज जब आप पावर टूल यूज़ कर रहे हो, जैसे ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो, तो याद रखना आसपास कोई फ्लेमिंग मटेरियल नहीं, यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह इस तरह चीज़ मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए खतरा है, वो आप पकड़ सकता है, ग्राइंडर है यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और वेट हैंड और वेट सरफेस पे ना यूज़ करें आप, यानी गीले हाथों से कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या गीली जगह पर यूज़ ना करें। दूसरा, प्रॉपर PPEs होना चाहिए, एक होता है बेसिक PPEs जो हम पहन के हैं साइड में, ये सेफ्टी आपका ग्लास है, हेलमेट है, FRC है, शूज़ है, ये आपका बेसिक है। लेकिन जब स्पेसिफिक जॉब करते हैं तो स्पेसिफिक PPEs सही होती हैं। मान लें आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो फेस शील्ड हो, एयर प्लग हो, आप हिल्टी यूज़ कर रहे हैं फेस शील्ड हो, एयर प्लग हो, आपके एंटी वाइब्रेटिंग ग्लव्स भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशन था पावर टूल्स का, क्लियर है। नाउ सेफ्टी स्लोगन,